हमारा बाप दादा ने ये घर जमीन रास्ता बहुत मेहनत से मतलब बनाया है। इसे जब 2022 में जब फ्लड आया तब हमारा नदी का जो स्विच गेज था वो बंद हो गया था। और ये बंद होने का कारण मतलब बारिश भी ज़्यादा दिया, पानी इतना स्पीड आया मतलब पानी नदी में जा नहीं सका, पूरा नदी का पानी तालाब तरफ आने लगा। इतना स्पीड से पानी आया हमारा रास्ता घर हर किसी कुआई का पेड़ नारियल का पेड़ काटल का पेड़ मतलब पेड़ ही पेड़ और रास्ता सब कुछ लुस्कानी लुस्कान किया गया 22 साल का पानी में। আশির দশা তো আসলো নিচা জায়গা, মাটি উঠছে না। এখন 22-এর দশা তো এটা 22-এর লাদে তো সম্পূর্ণ লাদে বাইরে। ने हम लोग को प्रोवाइड किया है सोलर पैनल्स, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ये रूरल एरिया है, कभी कभार एक दिन दो दिन या तीन दिन रिकॉर्ड है इसे, हम लोग का इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, पावर सप्लाई नहीं रहता है इधर। तो सीट्स से हम लोग जो जानकारी मिला था वेस्ट मैपिंग जो हम लोग का कि आपदा आए अचानक से तो अब हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उसी बारे में हम लोगों का शिक्षा दिया गया था। तो दो साल पहले जब फ्लड हुई थी तब हमारा एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पढ़ाई भी दो हफ्ते तक नहीं हो रही थी, स्कूल भी बंद था और पानी तो दीवार के 4 फुट तक आ रहा था यहाँ तक, और स्कूल का जो लाइब्रेरी है वो भी सारे बुक्स भीग गए थे और कंप्यूटर भी बहुत ख़राब हो चुके थे, और लाइब्रेरी के भीग जाने पर घर पे जो बुक्स भीगे गीली हो गए थे और ख़राब हो चुके थे, हम लाइब्रेरी से भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी भीग गए थे, और पढ़ाई में बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी। सीट्स एनजीओ ने जो डोनेट किया स्कूल में वो एक रूफ चेंज किया, टोटल रूफ चेंज किया 3 बिल्डिंग का और पेंट भी किया, बाद में एक सोलर पैनल इंस्टॉल किया, वो भी बहुत ज़रूरी है स्कूल के लिए, इसके लिए पावर ऑलवेज पावर नीडेड। जो असम का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हाल अभी कुछ ज़्यादा खराब हो गया, इसलिए वो तो पावर चाहिए स्कूल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेवलप करने के लिए। और जो एक्सटिंग्विशिंग फायर एक्सटिंग्विशिंग दिया वो तो फायर इंसिडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सेव करने के लिए। ये जो गेम हम लोग कर रहे हैं रिवर फायर एंड रिवर गेम, ये बेसिकली कंडक्ट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स अपने बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो एक साथ में डेवलप कर पाए। ज़्यादातर क्या होता है लोग स्टूडेंट्स अपना इंडिविजुअल एफर्ट देते हैं, तो इस एक्टिविटी से क्या होता है इन लोग के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से गेम के थ्रू इन लोग के बीच में एक अच्छा माहौल तैयार हो जाता है ताकि वो अपने बीच में वो कोऑर्डिनेशन अच्छा रख सके। और जो ऑब्जेक्टिव है इस गेम का कि आप कोऑर्डिनेशन से ये गेम को जीते, उससे क्या होता है अब उन लोग के बीच में वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बढ़ जाता है बहुत कुछ। In Kachar, 2022 flood was a massive one actually. After almost 15 years, this kind of situation arises in Kachar district. Even the people of Kachar district almost forgot the situations they have faced in 2022. We have also observed that the many non-government organizations, national level, district level and international level also, they have provided their support during the response phase and in the post-disaster situation also in Kachar district. So SEED is one of the most important organizations. They have provided much support in our most affected area in Kathiwada circle of Kachar district. SEED has been a blessing to us actually, being a community mobilizer at Jalalpur Block PC Kachar Assam. I would say that SEED is doing an outstanding work here. They have provided us 5 kVA solar plates and also some minor or major repairing works are also being done. They are changing the tins of the roofs. কোনোদিন হইছে না, এখন তো আমরা এটা ফিল্টারটা দিছে, খাজো লাগছে, খাজো লাগতো, ভবিষ্যতে হইতো
আমরা জনসাধারণরা বেজান জল লাগে, আরও একটা দিলে মনে করেন যে আরও ভালো হইতো, এটা খাবার হইতো না, খুব মানুষ বেশি আছে। फ्लड तो हमेशा ही आता है, या मतलब थोड़ा बहुत आता है, और साल पे या दो साल पे या पाँच साल पे बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, तो उसमें लिए हम लोग कैसे सेफ्टी करना है, मतलब दिया था अच्छा दिया था, जैसे हम लोग को केला का पम्बू है उसमें उसमें से हम लोग अच्छे से रह सकता है, या बच्चा हो या घर पे कोई बूढ़ी माँ हो तो उसमें सुला सकता है, उसको अच्छे से रख सकता है, और जैसे मतलब फीस का कार्टन रहता है जो उनको सोल का रहता है, उसमें से हम लोग का जो छोटा मुर्गी बोलते हैं ना वो हाँस मुर्गी उसमें रख सकता है, उसके लिए मुझे तो ट्रेनिंग जो दिया था मुझे अच्छा लगा वो चीज़ सुन के। और जैसे घर पे कोई किसी का घर पे या गाड़ी या टायर होता है, ट्यूब होता है, वो ट्यूब मतलब फुला के रखने से क्या होता है ना, उसमें हम लोग बैठ के या उसमें बम्बू का चेली बना के उसमें हम लोग बैठ के मतलब सवारी कर सकता है, यहाँ से वहाँ तक जा सकता है, या सामान रख के हम लोग खाना बना के खा सकता हूँ।